सक्सेसफुल इफेक्टिव लोगों की पहचान सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़, पैसे या डिग्री से नहीं होती, बल्कि ऐसे लोगों में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो इन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं, और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से सोसाइटी में उनकी एक अलग पहचान बनती है। तो कौन सी हैं वो क्वालिटीज़, वो हैबिट्स जो हमें भी हाईली इफेक्टिव और लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती हैं, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिसके ऑथर हैं स्टीफन आर कोवे। इस बुक में स्टीफन ने हाईली इफेक्टिव और सक्सेसफुल लोगों के प्रोएक्टिव बिहेवियर, गोल सिलेक्शन, वर्क प्रायोरिटी और रियल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के बारे में बताया है। इसके लिए एक एक्टिव मेंटेलिटी कैसे डेवलप करें ताकि अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए हम प्रिपेयर हो सकें, और साथ ही ये हैबिट्स पर्सनल डेवलपमेंट और इफेक्टिव प्रैक्टिकल इंसाइट्स में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन हैबिट्स के बारे में। सो पहली हैबिट है प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव यानी कि सेल्फ अवेयर होना। किसी दूसरे पर्सन के रिएक्शन और एक्शन से प्रोएक्टिव लोगों की लाइफ पर कोई खास असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव और दूसरा है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते हैं, जैसे कि सोसाइटी, गवर्नमेंट, फैमिली। उनकी मेंटालिटी ही ऐसी होती है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसीलिए उनकी परेशानियों का रीज़न हमेशा दूसरे लोग ही होते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन प्रोएक्टिव पर्सन हमेशा अपनी सिचुएशन के लिए खुद को दोष देता है, क्योंकि वो सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये बात पता होती है कि किसी काम में उनके फेल होने का रीज़न या तो इनके एफर्ट में कमी है या फिर उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। सो किसी को दोष देकर पल्ला झाड़ लेना और दुखी हो जाना, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आगे क्या करें और कैसे करें, इस पर ध्यान दिया जाए। सो चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ की वैल्यू से ही खुद को चलाते हैं और अपनी स्किल्स पर काम करते रहते हैं। रिएक्टिव लोग अपनी सोसाइटी यानी कि सराउंडिंग से बहुत अफेक्ट होते हैं। जब लोग उनके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं तो वो अच्छा फील करते हैं, वहीं जो लोग उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। इसीलिए प्रोएक्टिव लोग अपनी सेल्फ अवेयरनेस को यूज़ करते हैं, जिससे कि वो बाहरी अफेक्ट से हमेशा बचे रहते हैं। दूसरी हैबिट है बैलेंस। हमें अपनी लाइफ में हमेशा बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। जो लोग अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, टीम के साथ परफेक्ट बैलेंस बनाकर नहीं रखते, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते। अगर आप अपनी फैमिली के हेड हैं तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी फैमिली हमेशा एक रहे, सभी एक साथ रहें और आप किसी के साथ भी पार्शियलिटी ना करें, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप किसी कंपनी के बॉस हैं तो आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। आप अकेले किसी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकते, तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक लीडर की तरह अपनी टीम के साथ सही बैलेंस बैठाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है और इससे आपको वही मिलता है जो आपको चाहिए होता है। इस प्रोसेस के थ्रू ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं बल्कि स्ट्रांग भी होते जाते हैं। बैलेंस के थ्रू ही हम अपने साथ होने वाले अच्छे और बुरे बिहेवियर के पीछे के रीजंस को भी जान पाते हैं। जैसे कि उन लोगों की एक लिस्ट बनाएं जो आपको इरिटेट करते हैं। आप किसी एक पर्सन को चूज कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों उसकी थिंकिंग आपसे अलग है। एक मिनट के लिए खुद को उसकी जगह पर रखकर देखिए और सोचिए कि उसे कैसा लग रहा होगा। इस तरह से आप इस प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अगली बार जब आप उस इंसान के साथ किसी बात पर अग्री नहीं होंगे तो उसके प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे कि आखिर क्यों वो आपसे अग्री नहीं करता। क्योंकि जितना बेहतर आप समझ पाएंगे उतना ही बेहतर आपका उसके साथ रिलेशनशिप होता जाएगा। अगली हैबिट है शार्पन द सॉ। अथर बताते हैं कि अगर कुल्हाड़ी की धार तेज हो तो इससे किसी भी लकड़ी को आसानी से काटा जा सकता है। इसी तरह से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने वर्किंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो आपको डेली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मेंटल डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए और फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप सोसाइटी में अपनी इमेज इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो लोगों के साथ आपको बैलेंस बनाकर रखना आना चाहिए। जैसे कि दूसरों को डीपली समझने की कोशिश करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी अच्छे प्रोजेक्ट में देना चाहिए जिससे कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर हो सके।
अपनी मेंटालिटी को चेंज करें ताकि आप दूसरों को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकें। साथ ही अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हो तो उससे रिलेटेड स्किल्स को हमेशा अपग्रेड और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। सो द बॉटम लाइन इज कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ सकें। अगली हैबिट है पहले खुद को समझना फिर दूसरों को समझाना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना जो सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। सामने वाला अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाता और इससे पहले ही वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे आप पूरी बात से अनजान रहेंगे और अगर सामने वाला किसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पर आपसे बात करना चाहता है या फिर किसी प्रॉब्लम का सलूशन या उसके बारे में डिस्कस करना चाहता है तो आप उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। सबसे पहले उसकी पूरी बात को केयरफुली सुनिए, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप अपनी बात रखिए या फिर सजेशन दीजिए। याद रखिए, अगर कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है या फिर किसी सजेशन की उम्मीद रखता है तो वो आप पर भरोसा करता है। इसलिए केयरफुली उसकी बातों को सुनकर तब अपनी बात रखकर आप उसके भरोसे को बनाए रख सकते हैं। अगली हैबिट है विन विन थिंकिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो यही है, विन विन सिचुएशन को बनाए रखना। अबंडेंट मेंटालिटी की सोच को बनाए रखना, यानी कि जीत और हार को देखने का एटीट्यूड और एक्सेप्ट करने की हैबिट। क्योंकि जिन लोगों की नेगेटिव मेंटालिटी होती है वो बहुत रेस्टलेस सा फील करते रहते हैं और दूसरों की सक्सेस से वो कभी खुश नहीं हो पाते। वहीं बात जब इंटरपर्सनल लीडरशिप की आती है तो जितना ज़्यादा हमारा करेक्टर रियल होगा उतने ही हाई लेवल की हमारी प्रोडक्टिविटी होती जाएगी। जितनी ज़्यादा हम जीतने के लिए फोकस रहेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी पावर भी इफेक्टिव होती जाएगी। तो विन विन सिचुएशन को पाने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे लोगों पर फोकस ना करके बल्कि रिजल्ट्स पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर होता है। ऑथर बताते हैं कि हमारे इंटेंशंस हमेशा क्लियर होने चाहिए, यानी कि विनिंग स्पिरिट। जैसे कि गेम में दो टीमें होती हैं, अब ये ऑब्वियस है कि एक टीम हारती है और दूसरी जीत जाती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर कोई हमसे पीछे है या कम स्किलफुल है तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए या फिर ना ही उसे बुरा फील कराना चाहिए, बल्कि हमें तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी ज़रूरतों को देखना चाहिए और साथ ही ये भी समझना चाहिए कि हमें उससे क्या चाहिए। फिर सोच विचार करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि दोनों को फायदा हो सके। नेक्स्ट हैबिट है कि पहले काम को पहले रखें। हर किसी के पास कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट काम ज़रूर होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। हम दिन के कई सारे घंटे ऐसे ही कामों में निकाल देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। हम चाहें तो अपने बर्बाद होने वाले टाइम को सेव करके सही काम पर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक आसान सा उपाय ये है कि हमें अपने काम को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए जिससे कि हम अपने टाइम का सही यूज़ कर पाएँ। आप चाहें तो एक टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं जिससे आप सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले और कम इम्पॉर्टेंट काम को बाद में रख सकते हैं। जैसे कि पहले पार्ट में आप लिखिए अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, इसमें वो काम आते हैं जिसे करना आपको तुरंत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि आने वाले एग्जाम्स की तैयारी। दूसरे पार्ट में लिख सकते हैं नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, इसमें ऐसे काम आते हैं जो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन उन्हें तुरंत करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि एक्सरसाइज करना। तीसरा पार्ट है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, इसमें ऐसे काम आते हैं जिन्हें तुरंत करना तो होता है लेकिन वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, मतलब उन्हें करने से हमारी लाइफ में कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना या फिर मूवी वगैरह देखना। और फोर्थ पार्ट में आता है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसे काम जिसे करने से आपका टाइम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बर्बाद ही होता है, जैसे कि वीडियो गेम्स खेलना या फिर सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करना। इस तरह से आप अपने कामों को डिवाइड करके उन्हें इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट के चार्ट में डाल सकते हैं। लास्ट हैबिट है बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड। हमारे माइंड में एक क्लियर डेस्टिनेशन का डायरेक्शन होना चाहिए, सो हमें अपने इमेजिनेशन का यूज़ करना चाहिए अपने विजन को देखने के लिए कि हम क्या बनना चाहते हैं। ये हैबिट हमें ये सजेशन देती है कि हम जो भी करते हैं उसे अपने दिमाग में लास्ट में शुरू करना चाहिए। इसलिए एक क्लियर डेस्टिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये श्योर हो सके कि हमारा डायरेक्शन सही है भी या नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग खुद को बहुत आसानी से बिजी रख लेते हैं लेकिन ज़्यादातर वो ये नहीं जानते कि वो जहाँ खुद को बिजी रख रहे हैं वो वर्दी है भी या नहीं। कहने का मतलब है कि बिजी होना और
प्रॉपर एक गोल पर फोकस्ड होकर काम करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लोग सक्सेसफुल होने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये चीज़ें तभी मायने रखती हैं जब हम ये जान सकें कि ये हमारे लिए कितना मैटर करती हैं। मतलब अगर हमारे बिजी रहने के पीछे का रीज़न हमें पता नहीं होगा तो उसे हम रियलिटी में भी इवेल्यूएट नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।